राज्य के कृषि मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने गुरुवार को जिले के नासरीगंज प्रखंड के बीआरजीएफ भवन में कई योजनाओं का समीक्षा किया। इस दौरान प्रखंड में चल रही योजनाओं का हाल जाना, इसके साथ ही अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके पूर्व एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला से भव्य स्वागत किया। उसके बाद एक एक कर प्रभारी मंत्री ने किसानों व आम जनता की शिकायतों को सुन उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। प्रखंड में किसानों की हर समस्या को अपनी समस्या समझा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री जी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर जमकर हमला बोला, साथ ही बिहार में गिरती कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार का बचाव भी किया। योजना है हर गांव की गली नली का निर्माण करने की योजना के तहत हम लोग घूम कर देख रहे हैं। यह हमारा तीसरा प्रखंड है। हमने नोखा शुरू किया था, राजपुर गए, राजपुर के बाद हम लोग यहाँ पर आज कौन जगह है नासरीगंज में हम लोग हैं। आगे हमारा काराकाट और विकर में भी है और हम घूम कर देख रहे हैं। काफी शिकायत प्राप्त हो रही है कि पेयजल की योजना में जो गहराई तक 3 फीट के बजाय 1 फीट कर रहा है, इसी काफी शिकायत मिली है। हम विभाग के अधिकारियों को जांच का आदेश हमने दिया है, जांच करने का जाकर के, और बिजली के संबंध में लोगों को शिकायत किया जाकर के। बिजली का हर बुधवार को यहाँ कैंप लग रहा है और जो भोक्ता है बिजली के हमारे और उनको जो परेशानी हो रही जाकर के है, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कैंप में भाग लें और भूमि संबंधित शनिवार को और बिजली संबंधित बुधवार को। तो हर जगह राज्य सरकार का आदेश है कि थाने में, ब्लॉक में का बिजली विभाग के अधिकारी कैंप लगाकर आम उपभोक्ताओं की बातों को सुनकर उसका समाधान कर रहे हैं। हम लोग जमीन पर देखने आए हैं हकीकत क्या है जाकर के। जो शिकायतें मिली है उन शिकायतों के संबंध में हमने कुछ लोगों ने कहा खाद की काला बाजारी हो रही, उस पर भी आदेश दिया है। कल डीएम बैठक बुलाएंगे जिला मुख्यालय में और जो भी काला बाजारी करते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जाकर।